माइनस, बेटा यहां माइनस है जिसकी वजह से, यहां माइनस है जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, अर्थात ये रिजल्ट ये आएगा माइनस प्लस e की पावर माइनस के v। और इस वाले स्टेप के अंदर से, इस वाले स्टेप के अंदर से मैंने कॉमन लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, डेल z ओवर डेल y मैंने कॉमन लिया, यहां मेरे पास बना बेटा e की पावर माइनस u, ये वाला स्टेप, फिर माइनस कॉमन ले रखा है माइनस e की पावर v। ओके, मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आया बेटा, यहां से देखना, मेरे पास रिजल्ट आया डेल z ओवर डेल u माइनस डेल z ओवर डेल v इज इक्वल टू, ये हुआ e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v x, यानी डेल z ओवर डेल x इनटू x माइनस डेल z ओवर डेल y, ये वैल्यू है मेरे पास y की। अर्थात मैंने क्या किया, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v बराबर x रखने पर, इसी प्रकार e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v बराबर y रखने पर मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया बेटा वो ये निकला, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v की वैल्यू x है, e की पावर u माइनस e की पावर v की वैल्यू y, और यही मेरे को सिद्ध करना था, hence proof। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं।